नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप देख रहे हैं ग्रहों का खेल का होली का दहन और होली पर किए जाने वाले विशेष प्रयोग का एपिसोड। इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ पांच ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में तकलीफों, दुर्भाग्य और जो भी कष्ट है उसे दूर कर देंगे। होली पर शत्रुओं का नहीं शत्रुता का करें नाश और दुख कष्ट परेशानियों का करें अब अंत। होली का पर्व जहां मस्ती, हंसी ठिठोली, रंगों और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, वहीं इस पर्व पर सफलता, सौंदर्य, सेहत, नौकरी, करियर, विवाह, नजर, जादू टोना, दोष, शत्रु बाधा के लिए अचूक प्रयोग भी दर्शाए गए हैं। होली वाले दिन अगर आप सच्ची श्रद्धा से कोई उपाय करते हैं तो किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। आज के स्पेशल एपिसोड में जानेंगे होली स्पेशल में कुछ ऐसे उपाय जो आपकी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। प्रिय साथियों, सबसे विशेष बात यह है कि उपाय सच्ची श्रद्धा से करने चाहिए और कोशिश करें कि आप इसे नोट करें और अपनों को भी इसे शेयर करें। अब जानते हैं वो पांच उपाय जो आपके जीवन को बदल देंगे। इन उपायों को आप होली का दहन वाले दिन करें, यानी 28 तारीख को। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी व्रत त्योहार के दिन स्पेशली घर के सभी मेंबर्स को जल्दी उठना चाहिए। ये आदत स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है, इससे आपकी पूरी दिनचर्या फ्रेश रहती है। जल्दी उठने से आप पूरे दिन त्योहार के मजे ले सकते हैं। पहला उपाय, होली का दहन वाले दिन सुबह सबसे पहले घर की साफ सफाई करके घर के जो भी कूड़ा करकट है, फालतू की चीजें हमने इकट्ठी कर रखी है, उनको किसी को डोनेट करते हैं, निकाल दीजिए। मुख्य दरवाजे पर गंगा जल और हल्दी का छिड़काव कर सुबह और शाम को गूगल धूप करें और गुलाल की रंगोली जरूर बनाएं और उसके दाहिने तरफ दो मुख्य दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और दीपक को रात के समय होलिका दहन में अर्पित करते हुए सुख शांति की प्रार्थना करें। दूसरा उपाय, सुबह नहा धोकर सफेद वस्त्र धारण करें। पुरुष और महिलाएं लाल या पीले वस्त्र धारण करें। नियमित धूप दीप के अपने पूजन के बाद एक पीले वस्त्र में 108 लौंग, 5 पताशे, 11 हल्दी की गांठ और जो आपको मिल पाए तो कुछ दक्षिणा और 11 गोमती चक्र रखकर एक पोटली बनाकर मंदिर में रख दें। शाम को होलिका दहन के समय पोटली अग्नि में डालकर 3 परिक्रमा करें और घर से दरिद्रता रोग को भगाने की प्रार्थना करें। यह उपाय आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं उनका 100% निवारण कर सकता है। इसी के साथ आग का पौधा और काला धतूरा दरवाजे के बाहर लगाकर घी का दीपक जलाएं, आपकी और आपके घर की सुरक्षा जरूर होगी। तीसरा उपाय, जिनके विवाह में देरी आ रही है वे लोग सुबह पान के पत्ते पर 2 लौंग और 1 साबुत सुपारी रखकर उसे लाल धागे में बांध दें। अब शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद और जल से अभिषेक करते हुए पान का पत्ता अर्पित करें, साथ ही शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। चौथा उपाय, अपने विरोधी और दुश्मनों के साथ अगर आप परेशान है, लीगल कॉम्प्लिकेशन है, तो होलिका दहन की संध्या के समय एक काले पेपर पर अपने शत्रु का नाम लिखकर होलिका दहन में डाल दीजिए और प्रार्थना करें कि शत्रु को नहीं शत्रुता को मारना है। ऐसा करने से आपको बहुत शांति और सुरक्षित भावना होगी। पांचवा उपाय है, रोजगार, नौकरी, व्यापार के लिए अगर कोई परेशानी आ रही है, पैसा फंस गया, नुकसान और धोखे हो गए, खर्चे बढ़ गए, कर्जे हो गए, तो 3 सूखे नारियल होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करते हुए 3 परिक्रमा करें और अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। साथ ही फिटकरी और समुद्री नमक बराबर मात्रा में लेकर देसी गाय का गौमूत्र मिलाकर घर में छिड़कें, इससे सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इसी के साथ जब आप होलिका की परिक्रमा करते हैं तो होलिका से निकलने वाला ताप आपके शरीर और उसके आसपास के पर्यावरण में जो मौजूद है बैक्टीरिया उसे नष्ट कर देता है, जो आपके लिए साइंटिफिक रीजन से भी बहुत बढ़िया है। साथ ही होलिका के राख का तिलक जरूर करें, आपका सुरक्षा चक्र बन जाएगा। केमिकल युक्त रंगों के प्रयोग से बचें और अपनों के साथ सुरक्षित होली को खेलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो आपसे नाराज है या आप किसी से नाराज है, माफ कर दें, माफी मांग लें, गले लगा दीजिए और इस संकट को भुला दीजिए। प्रिय साथियों, स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहकर अपने दिन और आने वाले वक्त गुजारेगा। आपको और आपके परिवार को होलिका की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।